आप सबको मेरा सलाम, खुदामदा आप सबको बरकत दे, खुदामदा आप सबके साथ हो। आज जो हम राग कर रहे हैं ये राग भैरव में हम करेंगे। वर्दे होती हैं, वर्दे यानी कि इसे कहते हैं ताने पलटे, सरगम पलटा इसे भी कहते हैं, ठीक है। तो खुदा आप सबको बरकत दे, जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैं आज आपको बताऊँगा, इससे आपको आवाज़ में और आपकी जो फिंगर की स्पीड है उससे भी आपको बेहतरी महसूस होगी, ठीक है। सारे गम पधनी सानी धापा मगन। ये राग मैंने बताया था फुल डिटेल के साथ, ये किस तरह बना और इस राग का चलन, इसका वादी संवादी सारा कुछ पड़ा हुआ चैनल पर। तो जो मतलब ताने किस तरह बनानी है इसकी, पहले हम सरगम पलटा देखेंगे, फिर उसके बाद हम ताने देखेंगे वो कैसे बनेंगे। सारे गम करे सारे गम पमा करे सारे गम पमा करे सारे गम पधनी धपमा करे सारे गम पधनी सानी धपमा करे सा, ठीक है। सारे गम करे सारे गम पमा करे भी उसी तरह ही आना, ठीक है। जिस तरह आप करेंगे इसे उसी तरह खुदावंद के फजल से आप और मजीद बेहतर करेंगे, और मजीद बेहतर करेंगे, ठीक है। कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकूं, बता सकूं, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। सारे रागों में ऐसा होता है, ठीक है। जो सात सुर के राग है ना, आप उनमें ये कर सकते हैं। सारे गम करे सारे गम पम करे सारे गम प ध प म ग सारे गम प ध नि ध प म ग रे सारे गम प ध नि ध सा नि ध प म ग रे सा, ये इसकी मतलब इस तरह जाएगा, ठीक है। देख ले तरफ जिस तरह आप जाएंगे उसी तरह ये खूबसूरत होगा, और उसी तरह आपकी आवाज जो उसकी जो मतलब के रेड बनती है, ठीक है, ये इस तरह मतलब ये इसमें आएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं चैनल पर कोई ना कोई नई चीज आपको बताऊं, ताकि वो आपको सीखने में भी आसानी हो और आगे करने में भी आसानी हो। ठीक है, और इसे करने से आपको मजीद और तरक्की मिलेगी और आप लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी सात सुर के राग हैं आप उनमें ये टेक्निक कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं उन रागों में भी बताऊंगा और ये इसकी आगे जो वर्दे हैं वो भी बताऊंगा।
आपका सांस भी और बढ़ेगा, ठीक है, और आप लोग आगे जाएंगे। सानी के फजल से उसी तरह वीडियो आगे चलेगी। खुदा आपको खुश रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।